सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है ट्रैक स्टार गेमिंग के एक और नए वीडियो में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मतलब मैं नॉर्मल टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं देने वाला हूँ। आज के इस वीडियो में थोड़ा सा अलग डिफरेंट टॉपिक है, जो कि मतलब बहुत डिमांड कर रहे थे बंदे, बहुत सारे कमेंट आए मेरे को, बहुत नहीं आए, 3-4 कमेंट ही आए, बट बंदों की ये प्रॉब्लम है मेरे को पता है कि भाई मेरा जो है फोन लैग कर रहा है। खासकर तब करता है जबकि मैं स्क्वाड मैच खेल रहा हूँ, अपने फ्रेंड से बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे और भी ज़्यादा लैग करता है। तो अब इस लैग नाम की बीमारी, जो कि मतलब फ्री फायर में हर एक प्लेयर को हो रही है, तो इस लैग नाम की बीमारी को कैसे मतलब कंट्रोल किया जाए। तो गाइस, मैं अपनी बात करूँ तो मेरा भी फ़ोन लैग करता है, ऐसी बात नहीं है, बट तब भी मैं देखो गाइस रिकॉर्डिंग भी कर लेता हूँ फ़ोन में, जबकि मेरा भी 2GB रैम का फ़ोन है, तब भी मैं उसमें रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ, सब कर लेता हूँ, वीडियो इतने सारे सॉफ्टवेयर हैं डाउनलोड भगवान जाने क्या क्या है, तब भी मेरा फ़ोन उतना लैग नहीं करता जितना कि आजकल के 4GB वाले रैम वाले बंदों का भी कर जाता है। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि कैसे इस लैग को कंट्रोल किया जाता है। मैं ऐसे इतने ओपी टिप्स बताऊँगा ना, आपको बस इनको फॉलो करना है, पूरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। अगर नहीं दोगे ना, अगर कुछ स्टेप मिस कर दोगे फिर आप बोलोगे भाई नहीं हुआ ये, तू फेक बोलता है ये, इसलिए भाई पूरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, मैं मतलब ये लैग नाम की बीमारी को बाहर फेंक दूंगा। सो भाई स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एक छोटे से इंट्रो के साथ। सो गाइस, अगर चैनल पे नए आ रहे हो तो गाइस ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और ये नोटिफिकेशन बेल रहती है ना, इसको भी ऑन कर देना, जिससे हमारे न्यू वीडियोस मतलब न्यू अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो गाइस सबसे पहले अगर इसका जो है मेन क्या कारण क्या होता है कि जिसकी वजह से लैग करता है, वो पहले मैं बता देता हूँ। तो गाइस लैग होने के मुख्य रूप से दो कारण रहते हैं। पहला कारण प्रोसेसिंग, जो गाइस आप जो आपका फ़ोन का प्रोसेसर रहता है उसमें जो अड़बड़ गड़बड़ घोटाले होते हैं उसकी वजह से जो है आपका गेम लैग करता है। और जो गाइस दूसरा प्रॉब्लम है वो है यहाँ पर इंटरनेट का प्रॉब्लम। तो ये कम बंदों को होता है कि इंटरनेट का प्रॉब्लम बहुत कम को होता है। यहाँ पे मेन जो कारण जो फुटस है वो यहाँ पे प्रोसेसर यानी कि प्रोसेसर के साथ ही होती है। तो सबसे पहले अपन प्रोसेसर की बात करते हैं। सो गाइस फर्स्ट बात आती है जो है प्रोसेसर। तो गाइस प्रोसेसर होता क्या है ना कि आप जितनी भी चीज़ें मतलब क्या है फ़ोन में देख रहे हो ना, वो सारी चीज़ें जो है प्रोसेसर के थ्रू ही होती हैं, सारी चीज़ें प्रोसेसर के थ्रू ही आपको दिखती हैं। तो ये प्रोसेसर एक तरीके से कह सकते हो कि फ़ोन का एक माइंड होता है। तो अगर आप ऐसे मतलब सिंपल एग्जांपल से समझो कि अगर आपका माइंड है और आप इसको 10-10 जगह डाइवर्ट कर रहे हो, जैसे कि फ्री फायर भी खेलना है, पढ़ाई भी करना है एक टाइम पे, मतलब सारे 10-20 काम एक साथ करना है, तो क्या आप जो है सारे काम अच्छे से कर पाओगे? आप एक भी काम अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो यही होता है, अब मैं मतलब और आसान समझाऊँ तो ये होता है कि जैसे कि आपके फ़ोन में बहुत सारे ऐप डाउनलोड है, फेसबुक, ट्विटर, बहुत सारे मतलब जिनमें कि आईडी लॉगिन्स रहती हैं, जो कि बैकग्राउंड में रन करते हैं, जिनकी वजह से जो है जो बैकग्राउंड में जो है क्या बोलते हैं मतलब डाटा खींचते हैं, वो डाटा लेते हैं बैकग्राउंड में। तो अब आपको क्या करना है गाइस, इन बैकग्राउंड में चल रहे ऐप्स को हटाना है, जिससे कि आप सिर्फ फ्री फायर में मतलब फोकस कर पाओ कि फ्री फायर ही हमारा मेन है, फ्री फायर ही अच्छे से चल जाए वही ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या कर सकते हो ना कि आप जितने भी बैकग्राउंड में चल रहे ऐप्स हैं ना, इनको मतलब इनसे अपनी आईडी को लॉग आउट कर लेना। खासकर जैसे कि लाइक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल मीडिया वाले जितने भी वो रहते हैं ना ऐप्स, इनमें से अपनी आईडी लॉग आउट ज़रूर कर लिया करें जब आप मतलब फ्री फायर खेल रहे हैं। ऐसा क्यों गाइस? क्योंकि इससे जो है आपको नोटिफिकेशन नहीं आएंगी बिल्कुल भी, और बिल्कुल भी डाटा जो है ये ले नहीं पाएंगे। और फिर बात करते हैं गाइस कि आप जितना भी हो सके गाइस उतने कम ऐप्स को अपने मतलब क्या बोलते हैं मोबाइल में रखें। अब इसका रीज़न ये होता है कि आप जितने जैसे ही अगर आप एक रूम में हैं और आपके सामने इतना सारा सामान है कि आपको सांस लेने की जगह नहीं मिलेगी, तो यहाँ पे आपका प्रोसेसर काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको सांस तक नहीं आएगी गाइस इतना ज़्यादा ऐप्स होंगे। तो ठीक है, उसके बाद आती है गाइस स्टोरेज। तो आपकी स्टोरेज भी गाइस बहुत कम मतलब आप इतना करो कि जैसे कि
जितनी भी आपकी स्टोरेज है भाई, 1 GB 2 GB 1 GB तो नहीं होगी खैर, 8 GB 16 GB 32 GB 64 GB जितनी भी स्टोरेज है उसका लगभग आधा परसेंट ही स्टोरेज को ऐसे मतलब खाली रखो, आधी स्टोरेज तो खाली रखो। जैसे कि अगर आपकी 16 GB स्टोरेज है तो 8 GB स्टोरेज रखो और बाकी सारी खाली रखो। इससे होगा क्या कि आपका मोबाइल एकदम फ्री रहेगा तो रैम, जो आपकी रैम रहेगी, जो आपका प्रोसेसर रहेगा, उसको उतना टाइम नहीं लगेगा ये चीज़ें प्रोसेस करने में, और मतलब ज़्यादा उसके पास मतलब कंटेंट नहीं है उनको प्रोसेस करने का, तो ईज़िली जो है क्या बोलते हैं यहाँ पे प्रोसेस कर लेगा सारी चीज़ें और आपकी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी गेम खेलने में। तो ये एक और हो गई, अभी भी गाइस रुक जा और भी चीज़ें बची हैं। तो यहाँ पे आपने स्टोरेज भी कम कर ली, यहाँ पे आपने क्या बोलते हैं बैकग्राउंड में ऐप्स को भी रन करने से बंद कर दिया, आपका फोकस सिर्फ गेम पे है। तो इसके बाद अब एक और चीज़ करवाता हूँ यहाँ पे कि अगर जैसे कि जितनी भी आप चीज़ें करते हो मतलब ऐप्स वगैरह डाउनलोड करते हो, उनके अंदर जितनी भी प्रोसेस करते हो तो उनसे कचरा उत्पन्न होता है गाइस। जैसे अपने घर में कचरा उत्पन्न होता, मतलब घर में कचरा होता है ना, वैसे ही गाइस फ़ोन के अंदर भी कचरा होता है, जिसको फ़ोन की भाषा में बोलते हैं कैचे। तो इस कैचे को आपको करना पड़ेगा रोज़ाना क्लियर। अब इसके क्लियर करने के लिए आपको क्या कर सकते हो कि एक डेवलपर नाम करके ऑप्शन आता है फ़ोन के अंदर, तो जो कि आप देख लेना कि आपके फ़ोन किस हिसाब का है। इसमें YouTube पे जाके सर्च करना कि डेवलपर ऑप्शन कहाँ रहता है हमारे फ़ोन में। जैसे मेरा Vivo है तो मेरा यहाँ पे रहता है, मैं तो फ़ोन स्क्रीन पे चला जाता हूँ। तो यहाँ पे देखो गाइस, आप इस डेवलपर ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना तो थर्ड नंबर का मतलब कोई सा ऑप्शन आता है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम रहेगा ऐप मैनेजर। तो इस ऐप मैनेजर वाले ऑप्शन पे ज़रूर क्लिक करना। तो यहाँ पे अगर आप इस ऐप मैनेजर पे क्लिक करोगे ना तो आप कहाँ पे डाइवर्ट हो जाओगे, तो यहाँ पे आपकी मतलब जितने भी आपके फ़ोन में ऐप्स हैं ना उनकी जन्म कुंडली खुल के आ जाएगी कि भाई ये ऐप्स हैं आपके मतलब फ़ोन में और इनमें इतना इतना डाटा है। आप एक भी ऐप पे क्लिक करोगे ना यहाँ पे वो बता देगा कि आपके ऐप का साइज़ कितना है, उसके अंदर आपने कितना डाटा डाल रखा है और साथ ही साथ कितना कचरा है, वो नीचे लिख जाएगा ये देखो कैचे। और आप इस कैचे को क्लियर भी कर सकते हो, आप इस कैचे को क्लियर कर दो तो ईज़िली जो है मतलब कि सारे जितने भी बड़े बड़े ऐप्स हैं, खासकर जैसे कि फेसबुक हो गया, फेसबुक बहुत बड़ा होता है, उसके बाद YouTube हो गया, Google Chrome हो गया गाइस, और सबसे मेन तो फ्री फायर का क्लैच है, हर दूसरे तीसरे दिन तो क्लियर करते ही रहना, इससे गाइस आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा फ्री रहेगा। तो ये हो गए यहाँ पे कैचे क्लियर करने वाली बात। और हो सके तो गाइस ये जितनी भी बड़ी बड़ी ऐप्स रहती ना सोशल मीडिया की, जैसे फेसबुक वगैरह, इनकी आप इनको अनइंस्टॉल करके इनके लाइट वर्जन डाउनलोड कर लें, इससे आपकी स्पेस बहुत कम रहेगी। उसके बाद गाइस लास्ट एंड लास्ट, आपको प्रोसेसर को फ्री करने के लिए, उसके लिए आपको जो है अपने जो है फ्री फायर के एक्सपेंशन पैक है ना उसको डिलीट कर दो। अब इसको डिलीट करने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि गाइस आप एक्सपेंशन पैक को डिलीट करोगे ना उससे होगा क्या कि फ्री फायर को ज़्यादा प्रोसेस नहीं लगेगी। ये होगा कि मतलब जैसे कि आप जितने भी फ्री फायर में चीज़ें देख रहे हो, जैसे ड्रेस वगैरह, ये सब आपने डाउनलोड कर रखी हैं और ये सब दिखाने के लिए, एनिमेशंस दिखाने के लिए आपको जो है फ्री फायर को बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग के थ्रू गुजरना पड़ता है। तो अगर आप इनको डाउनलोड ही नहीं करोगे तो यहाँ पे वो प्रोसेस उनको करनी ही नहीं पड़ेगी, तो उससे ये बहुत ज़्यादा फ्री रहेगा, आपकी स्टोरेज भी इससे बहुत ज़्यादा फ्री रहेगी। तो एक्सपेंशन पैक को डिलीट कर दो, अभी तो अपडेट आया तो वैसे ही बहुतों ने नहीं किया होगा डाउनलोड, और अगर डाउनलोड कर लिया और आपका बहुत ताबड़तोड़ लैग करता है तो डिलीट कर दो, और जो जो चीज़ जो मेन रहती है गन स्किन और जो आपका बंडल है मेन वाला उसको बस डाउनलोड कर लो, ठीक है। अब ये हो गई यहाँ पूरी प्रोसेसिंग की बात, अब आती है यहाँ पे इंटरनेट की बात। तो इंटरनेट भी बहुत मतलब कम बहुत कम बंदों को मतलब होता है इंटरनेट वाला इशू। तो इंटरनेट में क्या रहता है ना कि जैसे कि जितना भी आपका इंटरनेट रहता है, खासकर ये जियो वाले यूज़र्स के साथ बहुत प्रॉब्लम रहती है कि उनका इंटरनेट इतना स्लो रहता है कि उनके पिंग बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो अगर आपको फ्री फायर के अंदर इंटरनेट को देखना है कि भाई मेरा इंटरनेट कैसा चल रहा है, तो उसके लिए आप सीधा ऊपर जाके देख लो ये रहा पिंग आपके, अगर आपके 50 से 70 के बीच में पिंग है, पिंग सही, तो ये मान के चलो आपका गेम मक्खन चल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर आपके 70 से 100 के बीच में पिंग चल रहा है, यानी कि
7200 के बीच में पिंग चलना है, तो मतलब ये कह सकते हो थोड़ा सा 19-20 है, कोई दिक्कत मतलब दिक्कत कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे, अगर आपके 100 से ऊपर चलना है तो थोड़ी बहुत गड़बड़ है आप कह सकते हो, और आपके 200 से ऊपर चलते हैं तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, और 300 से ऊपर चलना है तो फिर ये होगा गाइस कि आपकी मतलब स्क्रीन तो पीक पे है लेकिन मतलब जो कैरेक्टर की बॉडी है वो कुछ ही नॉक पे है, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो ये होता है गाइस, तो आपको इसका कोई मतलब हल नहीं है गाइस इसको सही करने का। इसका सही करने का हल यही है आपको नेटवर्क कनेक्शन को बदल दो गाइस। एयरटेल का जो नेटवर्क रहता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, मतलब जो भी नेटवर्क आपके एरिया में सबसे अच्छा आता है ना उस नेटवर्क को यूज़ करो, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे इंटरनेट वाली भी प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दी। तो गाइस अब मैंने बहुत आसान अक्षरों में समझाया गाइस, बहुत ज़्यादा कोशिश करी कि आप उसको अच्छे से समझ में आए गाइस। तब भी अगर भाई किसी महान व्यक्ति को समझ में नहीं आता कि भाई मेरे को समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ कमेंट कर देना यार, मैं पर्सनली समझा दूंगा यार, ठीक है। तो गाइस होप करता हूँ ये वीडियो बहुत नॉलेजेबल लगा होगा आपको, मतलब इस टाइप का वीडियो मैं बनाता नहीं हूँ लेकिन तब भी कहा कि भाई नॉलेज है तो बनाओ क्यों नहीं, तो यहाँ पे मैंने ये वीडियो बना दिया। सो गाइस अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को लाइक कर मतलब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही हमारे साथ कनेक्टेड रहने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें हमारी नोटिफिकेशन पाने के लिए। सो गाइस बाय गाइस, मिलते हैं एक अगले वीडियो मतलब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।